बहुत अच्छी लगी ओके okay. बहुत अच्छी लगी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छी थी, सभी लोग जाके देखो। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मूवी बहुत ही अच्छी थी। मूवी बहुत अच्छी लगी बच्चे, बेटा मूवी बहुत अच्छी लगी। अरे मूवी बहुत बढ़िया लगी, मूवी बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी सभी जाके देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तीन चौकी। तो आज हम एक और मूवी रिव्यू के साथ आ गए हैं, और हम मूवी रिव्यू तभी करते हैं जब टिकटें सस्ती मिल रही हो। तो आज है सिनेमा लवर्स डे करके, और आज 23 फरवरी फिर से टिकट सस्ती है 99 रुपीज की। तो हम फैमिली के साथ कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? आर्टिकल 370। ये देखना बस, सस्ता देख के आ गए, पता भी नहीं है। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर पे है, और हम जम्मू कश्मीर के हैं, हमने लिव थ्रू किया उस चीज से, तो लेट्स सी कितना सच है कितना झूठ, एंड में बताएंगे। अब हम लोग वेव जा रहे हैं, और मूवी का टाइम है 8 बजे, एंड आप टाइम देख लीजिए, एज यूजुअल लेट तो होना ही था। आराम से। इस बार हम अपने मम्मा पापा को भी लाए हैं। यस मम्मा, हाय बोल दो। हाय हाय उची, बच्चा भी देख लो, बच्चा बाटी आप भी देख लो, साइड पे देखो। ऐसे मूवीज में हम अपने दोस्तों के साथ आते हैं, बट आज सीरियस मूवी है, तो आज मम्मा पापा को। यस, और बस अब हम वेव पहुंचने वाले हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो वेव मॉल आ चुका है, 8 बजे की मूवी थी, 8 बाहर ही बज चुके हैं, तो ट्रेलर का टाइम तो आज भी चला गया है, बट चलो आगे थोड़ा एंजॉय करते हैं। हमारी तो मूवी, हमें पता है क्या होगा, हमने सही बात है, विल कनेक्ट द डॉट्स। आप देख सकते हो इन्होंने पता नहीं कहाँ पार्किंग लगवाई है आज, आर्टिकल 370 मारे ना पंजाबी। देखो सिर्फ हम लोग हैं, भागो ऊपर, भागो शिमला, भागो। हेलो गाइस, तो अब हम पहुंच गए हैं, आवाज़ पता नहीं आ रही होगी या नहीं, मैं और मम्मा सबसे आगे हैं, बाकी सब पीछे हैं, और 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। मम्मा भागो भागो, आ गए हो, चलो आ गए, पापा भी। Hey guys, तो मूवी खत्म हो गई। शिव आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। इसको लग रहा था ये बोर हो जाएगी, बट इसको मजा आया। गाड़ी में जाके एक फुल रिव्यू भी मिल जाएगा आपको। तो अभी हम यहाँ से खाने वाले थे, बट क्या हो गया है माँ, पर यहाँ पे सारे आउटलेट्स बंद हो गए हैं। तो मैंने इसे बोला कि मैं छोले भटूरे अरेंज कर दूंगा, बट भटूरे रास्ते में रह गए और ये छोले पड़े हैं, तो वो भी फोक से खाने हैं। पापा आप क्या खाना चाहते हो? जो भी आप खिला रहे हो। चलो ठीक है, खुशी से आएगी। चलो ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कहीं और सीन बनाते हैं, यहाँ तो सीन खराब हो गया। क्या तू ये कोन निकाल के मुझे दे सकती है? देखो यहाँ पे कोन लगे हुए हैं, ये देखो शवी, कम ऑन। अगर कोई कैमरे यार वहाँ पे, कैमरा तो क्या हुआ, सामने कोन नहीं है। यार शक्ल दिखती है, मैंने कर बेशक शवि ने जीती थी, बट स्टिल मैं जीत गया। देखो हमारी गाड़ी पूरी अकेली है। हेलो एवरीवन, तो हेमा आपको कैसी लगी मूवी, अभी रिव्यू कर देते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा है बोरिंग सी मूवी होगी, बिकॉज लास्ट हमने मानिक चंद देखी थी। मानिक शाह, तो लास्ट मैंने मानिक शाह मूवी देखी थी, तो हमें लगा शायद ये भी वैसी टाइप ही होगी, क्योंकि वो हमें थोड़ी सी बोरिंग लगी थी, मतलब तो ये मैंने नहीं देखी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और बड़ा मज़ा आया, मतलब गूज़बम्प्स आ गए और मज़ा 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 आया।
तो हमने वीडियो में लिखा था कि जम्मू पीपल रिएक्टिंग टू ये, तो जम्मू का तो नाम सिर्फ तभी लिया जब कहीं डॉक्यूमेंट में जम्मू एंड कश्मीर होगा, हाँ, या जे एंड के बैंक था तो जे भी साथ लगाना पड़ा। तो मतलब पूरी मूवी में तो ऑब्वियसली कश्मीर कश्मीर ही हो रहा है ज्यादा, जबकि आर्टिकल 370 हमारा भी था, हमारा भी उतारा गया था, बट चलो ओके समझ आता है क्यों ऑब्वियसली। तो अच्छी मूवी थी, काफी मजा आया देखने में, काफी अच्छी मूवी थी और ये चीज हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस करी हुई है, मतलब कोई बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है, 2019 की बात है, तो मतलब वो ऐसे वो सारी चीजें हम कनेक्ट कर रहे थे उस वजह से ज्यादा, और सारी चीजें उन्होंने कनेक्ट की भी, मतलब की लाइक जो इवेंट्स हुए उन्होंने उनकी भी सारी बातें की है, और मतलब अच्छी बात है, चलो लोगों को काफी अच्छी थी और ऑब्वियसली काफी फैमिली पेट्रियोटिक मूवी थी कि देख के आपको भी हो जाएगा, बट ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे कोई कोई मूवीज होती हैं कि वो ऐसे रियल इवेंट्स पे बेस्ड होती है, तो वो थोड़ी बोरिंग होती है, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग थी, एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, और ऑब्वियसली मूवी है तो थोड़ी एग्जैजरेटेड भी होंगी चीजें, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी से उनको थोड़ा ज्यादा ही सही दिखाया है, बट अच्छी मूवी, ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है, आप सब जाओ देखने, और जो एक दो सॉन्ग्स है मूवी में, एंड में जो एक गाना है वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी। तो हेमा कितनी रेटिंग देंगे हम फाइनल? रेटिंग आई वुड से 8.5 out of 10, या 4 out of 5, मूवीज की रेटिंग 5 में से होती है यार, स्टार्स होते हैं। थिएटर में भी भयंकर भीड़ थी, मतलब अच्छी हूटिंग हूटिंग हो रही थी है ना, मतलब जय हिंद और ये वो सब, तो मजा अच्छा माहौल बन गया था, ऐसा वो इंडिया और वैसा की चीयर करना, और हम लोगों ने तो 99 में देख ली, और भी अच्छी डील, अच्छा हम तभी मूवीज देखते हैं वरना हम नहीं जाते, रिस्क नहीं लेते, बट चलो ठीक है। और मूवी में जो रोल सबको मिले हैं, मतलब कैरेक्टर्स है जो, तो जो मोदी जी जिन्होंने प्ले किया है वो देखते हैं एकदम ऐसे हो गए, गूज़बम्स आ गए एकदम से, और वो राम है जो रामायण में मेन लीड है, मतलब क्योंकि मोदी जी को देख के भी ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान है, और क्योंकि मूवी में मोदी जी भगवान है, राम मोदी जी है, बट मतलब कि ऐसे अच्छी प्रेजेंस है, वो रामायण वाले राम जी ने मोदी का रोल प्ले किया है, तो बहुत अच्छा, मतलब मजेदार मूवी है। तो बस चलो ठीक है, हम लोगों ने भी देखी, आप लोग भी जाओ और देखो और एंजॉय करो, ये था हमारा एक छोटा सा मूवी व्लॉग, जब भी 99 की टिकट आएगी हमारा व्लॉग आएगा मूवी का, ये तो पक्की बात है। हमारी तरफ से ओवरऑल रेटिंग इज 4 out of 5, यस हाँ, फर्स्ट जो की काफी अच्छी रेटिंग है, और आज फर्स्ट डे मूवी का आज ही रिलीज हुई है, तो चलो ठीक है, मेरा हाथ थक गया, ये रख के आपने देख लिया होगा मैंने कितनी बार नीचे कर लिया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू #3शौकीन आर्टिकल 370 जरूर देखिएगा, बाय बाय।